वीडियो में देखिए कैसे खड़ा हुआ है चुपचाप। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से बेचारा आरिफ की याद में दोस्तों एक पैर के बल खड़ा हुआ है दोस्तों, ताना पानी बिल्कुल छोड़ चुका है। आप लोग देख लीजिए, यही है ओरिजिनलिटी, देखिए कहां पर है। यहां पर इसके लिए अकेले है, क्वारंटीन रखा गया है और डायरेक्ट हम आपको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं दोस्तों ये किस प्रकार से रखा हुआ है। वहाँ पर कुछ नहीं खा रहा है दोस्तों, खाना पीना सब रखा है परंतु ये खा पी नहीं रहा दोस्तों। तो देखिएगा कितनी हालत गंभीर है आरिफ के बिना, आरिफ के सारस की बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है। आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से बिल्कुल बेचारा बेचैन है आरिफ के बिना दोस्तों, देखिए कितना ज़्यादा बेचैन है। आप लोगों को रोना आ जाएगा दोस्तों, देखिए कितना ज़्यादा, कोई भी खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुका है दोस्तों, बिल्कुल नहीं खा रहा है दाना पानी। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, आरिफ जी भी बता रहे हैं कि दाना पानी नहीं खाता दोस्तों, बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, तो हम आपको बताएं कि आप लोग वीडियो में बिल्कुल देखिएगा और हमने भी जा कर के कानपुर जू में देखा कि बिल्कुल से वो दोस्तों खड़ा ही हुआ ही है दोस्तों। दोस्तों वैसे चिड़ियाघर में बहुत सारे सारस हैं, परंतु ये देखिएगा बहुत सारे सारस है दोस्तों, परंतु आरिफ वाले सारस को एकांत में दोस्तों एक अकेले रखा गया है, क्वारंटीन रखा गया है। अर्थात जब समस्तपुर पक्षी बिहार से लाए 25 मार्च को, उसके बाद 25 मार्च को यहाँ क्वारंटीन रख दिया गया और 15 दिन के लिए, यह बताया जा रहा है यहाँ के आला अफिसरों द्वारा कि 15 दिन के लिए क्वारंटीन है और उसके बाद उसे अपने समाज से दोस्तों जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों हमने जैसे दिखाया कि दोस्तों समाज को से जोड़ने के लिए वो बचे, तब तो दोस्तों जब वो दाना पानी नहीं खा रहा है तो कितने दिनों तक जीवित रहेगा, ये तो भविष्य की गोदों में छिपा हुआ है दोस्तों। परंतु आज देखिए यहाँ के सारस देखिए कितना बिल्कुल चंदन रहे और बढ़िया दाना पानी खा रहे हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं, परंतु वो सारस दोस्तों बिल्कुल से शांत मुद्दा में दोस्तों खड़ा है। और अखिलेश यादव आरिफ गुर्जर जब गए तो इसी तरह से टीवी स्क्रीन में, मतलब फुटेज में दिखाया गया उसे कैमरे के माध्यम से दिखाया गया और डायरेक्ट उसे नहीं मिलाया गया दोस्तों। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों किस तरह से आगे व्यवस्था है दोस्तों, बहुत ही दिक्कतें हैं सारस के साथ। अब क्या बात यहाँ पर पूरी ख़त्म नहीं होती दोस्तों कि अब क्या सारस बच पाएगा या अपनी जीवन गुजार देगा दोस्तों या जीवन गंवा देगा, वहीं ये एक कहने वाली बात होगी दोस्तों। अब यहाँ के जो लोकल सारस है जो चिड़ियाघर में पहले से रह रहे हैं उनके हाल देखिए, बढ़िया मस्ती से खा रहे, पी रहे, खेल रहे दोस्तों। परंतु बेचारा वो आरिफ का सारस आज कितना ज़्यादा तड़प रहा है, वो तड़प आपको हमने दिखाया किस प्रकार से तड़प रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा दोस्तों, पूरी तरह से हमने आपको एक क्लिप में दिखाया है दोस्तों। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है दोस्तों उसे, आज वहाँ पर आरिफ के साथ दोस्तों जब रहता था तो बहुत आराम से उसी के साथ खाना खाता था, दाल चावल रोटी कुछ भी आरिफ जी खाते थे तो उन्हीं के साथ खाता था। आज बेचारा उसे कच्चा खाना दिया जा रहा है, आलू दे दी जा रही है, इस तरह नहीं खाता, पका पकाया दोस्तों खाना खाया करता था, चाउमीन बर्गर सब कुछ खाता था। आज उसे वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पा रही, वो स्वच्छंद वातावरण नहीं मिल रहा जो आरिफ के यहाँ थे, क्योंकि यहाँ पर कोई वो बंधा नहीं था दोस्तों, एक क्राइटेरिया में बंधा हुआ नहीं था। और वहाँ पर दोस्तों वो पूरी तरह से क्राइटेरिया में बंधा हुआ है कि आप बस इतने में ही रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आरिफ के सारस की हालत जो है चिड़ियाघर में गंभीर है दोस्तों। अब आगे क्या होता है ये दोस्तों भविष्य की गोद में छिपा हुआ है कि अब आगे क्या होने वाला है, परंतु आज जब देखते हैं दोस्तों तो जो है हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और वो दाना पानी बिल्कुल छोड़ चुका है और आरिफ की याद में बिल्कुल दोस्तों केवल खड़ा रहता है और कुछ नहीं करता, कोई दाना पानी बिल्कुल नहीं खाता दोस्तों। तो इस तरह से यदि दाना पानी छोड़ देगा तो आखिर वो कब क्या हो जाए उसके कोई पता नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख लिया होगा, अपने क्लिपों में देख लिया होगा कितना ज़्यादा उदास है आरिफ के बिना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उसे दोस्तों खाना पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, वो केवल आरिफ को पाना चाहता है और उसके जीवन में दूसरा कोई नहीं, और दूसरे जाते हैं
तो उसको काटता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को बहुत शेयर करें जिससे ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। इसके पैर में चोट लगी, आरिफ वाले सारस के, उसके पैर में चोट लगी, उधर लंगड़ा रहा है वो। हाँ हाँ, वो उधर जो खड़ा है उधरी वाला है जिसके पैर में चोट लगी, जो सारस कल लाया गया है पैक करके उसमें गाड़ी में, वो यही ये वाला सारस है जो उधर साइड में उसके पैर में एक पैर के बल वो खड़ा हो रहा, वो उधर वाला उसके पैर में जो चोट लगी ना तो पूरा बराबर खड़ा नहीं हो पाता दोनों पैर से। खेत में मिला था हमारा पड़ा हुआ खेत में। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो आरिफ वाला सारस है ये वही सारस है या दूसरे सारस? नहीं, ये वो नहीं, उसको रखा है कहीं और। तो वो सारस कहाँ हो सकता है आपको क्या लगता है? कुछ दिन बाद अभी आएगा, कल वहाँ समाजपुर पक्षी बिहार से यहाँ आया है सारस। हाँ, यहाँ लाया गया है 15 दिन के बाद, यहाँ पर उसको ला करके मनोरंजन के दृष्टि से रखा जाएगा। अभी उसको सेव करके उसको शायद वो मतलब कि बाहर निकल गया था ना। अच्छा अच्छा। तो कुत्तों तो लोगों ने घायल कर दिया था, तो उसकी अभी वो चल रही है मेडिकल इलाज चल रहा है। हाँ, यहीं पर। तो ये वाले सारस नहीं है फिर? ये वो नहीं, ये पहले के है। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा कि भैया ने बताया कि वो सारस नहीं, जो ये बाहर खड़ा ये वाला, तो ये दूसरा है, ये भी नहीं है। और भाई लोग कह रहे हैं कि अभी उसको घायल है, चोट बहुत ज़्यादा लग गई उसके, हमला हुआ है, कुत्ता उत्तों ने काट लिया है। मगर ये सारस इसमें से जो आरिफ वाला सारस है ये सारस नहीं। यहाँ पे 4 सारस आपको दिखाई दे रहे हैं इस पिंजरे के अंदर, 3 पैक हैं और 1 बाहर छुट्टा है। तो दोस्तों वो वाला सारस जो है ये यहाँ पे अभी नहीं लाया गया है, कुछ दिन के बाद लाया जाएगा देखने के लिए। हाँ, 15 दिन भैया बता रहे हैं, 15 दिन के बाद ही यहाँ पे उस सारस को लाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे सारस को नहीं लागे। अच्छा ये बताइए, जो सारस और आरिफ की जो दोस्ती तोड़ी गई है उसके पीछे आपको क्या लगता है? सारस का जो मतलब उनको गलत हुआ या सही हुआ, आपको क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि ला करके यहाँ पर मनोरंजन की दृष्टि से रखा जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद उनका जब तक वो जोड़े में रहते हैं जी तभी तक से वो सेफ रहते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये। मगर आपने आरिफ और सारस की दोस्ती देखी, वो एक दूसरे के साथ खाते पीते थे, रहते थे, रात दिन खाना खाते थे एक थाली में, और उनको इस प्रकार से जुदा कर दिया जाता है, ये आप ये एक प्रकार से गलत भी है। अगर यदि अभी तो मुझे खैर एक्चुअली ये बात मतलब पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि जोड़े में जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। जी यदि ऐसी बात है तो एक प्रकार से सही भी है, लेकिन हाँ ये है कि जब वो इतना बेहतरीन दोस्ती करके उसका जान बचा करके रखा हुआ था जी तो उसको यहाँ पर ला कर कैद करना ये उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं आरिफ और सारस के लिए गलत हुआ है, क्योंकि सारस को जिस हालात में खेत में पाया था आरिफ ने, वो घायल पड़ा हुआ था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। आरिफ ने उसके इलाज करवाया, दवा करवाई, उसको 2 से 3 महीना अपने घर पे रखा, और जब उस धीरे धीरे सही हो गया, उसके साथ रोज़ सुबह दौड़ने भी जाता था, तो आज उसकी दोस्ती तोड़ दिया। तो आरिफ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो जब एक मतलब वो जो सारस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आरिफ, और बहुत चाहते थे रात दिन उसके साथ ही रहते थे, मगर अब उनके पास नहीं है। तो आरिफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो जब उनका सारस छीन गया है? यही है कि उनके साथ एक प्रकार गलत हुआ है। अगर यदि वो कभी यहाँ पर आएंगे जी तो खुद ही आप यहाँ पर एक दृष्टि दिखेगा जिससे पता चल जाएगा कि वह सारस खुद ही यहाँ पर आकर के खुश है या दुखी है। तो आरिफ अगर यहाँ पे आते हैं तो सारस उनके पास आ जाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं आएगा? जी हाँ, मुझे तो पूरा विश्वास है, अगर यदि वो उन्हें देखेगा तो उन दोनों के प्रति पूरा बेहतरीन फ्रेंडशिप है, 100% ये श्योर है कि वो आकर के बिल्कुल जो है कि कहीं ना कहीं दृष्टि सभी को देखने को मिलेगी।
तो भैया जी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया सारस और आरिफ की दोस्ती को लेकर के। इन्होंने बताया कि आखिरकार सारस और आरिफ की दोस्ती जो तोड़ी गई उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग देख सकते हैं ये सारस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे चार सारस आप लोग देख ही रहे हैं सामने। मगर जो भी ये दोस्ती को तोड़ा गया उनके साथ, सभी लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है आरिफ और सारस की दोस्ती के साथ में। तो दोस्तों अभी हम आपको अगर और कुछ भी अपडेट मिलती है तो ज़रूर बताएंगे। तो अभी देख सकते हैं हम लोग सारस के ही वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे शूट कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आखिरकार कौन सा सारस हो सकता है, ये है वो है कौन सा है, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे सारस है या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं।